वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल है मेरा भाई, ठीक हो? कह रहे हो तो यार आज आप देख सकते हैं मैं अभी इधर बैठा हूँ, ये भी आगे बैठा ही हूँ। तो यार आज मेरा फ्रेंड आने वाला है एक, तो उसके साथ हम व्लॉग बनाएंगे। मेरी पता नहीं इसमें आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है कि नहीं हो रही, लेकिन आपको मैं अभी पीछे का व्यू दिखाता हूँ। अभी मैं जल्दी आ गया हूँ जिम में, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ना यार अभी आवाम का पहले से बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ही ज़्यादा काम है, क्योंकि मैं जल्दी आ गया हूँ इस टाइम ना। तो यार जो आवाम जब ज़्यादा होती है ना, उसमें लगाने का मज़ा भी नहीं आता। एक चीज़ आप लगा रहे हो, वो दूसरी कोई चीज़ लगा के ले जाता है, ठीक है, वो फिर ना 500 वाले जिम का हिसाब हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये 500 वाला जिम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी कॉस्टली जिम है और काफ़ी अच्छा जिम है, ठीक है। उसमें ऊपर छत पे दे सकते हैं आप, यहाँ पे ब्लैक कलर की हुआ हुआ है, इसके ब्लैक कलर का ना पेंट हुआ हुआ है, आप पेंट कह सकते हैं, कली कह सकते हैं, जो भी है, ठीक है, आप दे सकते हैं। और यहाँ पे मेरा फेवरेट जो करेक्टर हल्क, ठीक है, ये तो दूसरा हमारा हल्क है, लेकिन जो मेरा फेवरेट है ना वो इनक्रेडिबल हल्क है। बाकी अभी आप यहाँ पे दे सकते हैं एग्जॉस्ट फैन, देखें कितने कितने बहुत बड़े हैं यार, बहुत ही बड़े हैं। वेंटिलेशन में यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वेंटिलेशन के हिसाब से भी यहाँ पे इन्होंने विंडो खोली हुई है, देख सकते हैं ये विंडो सारी खुली हुई है, तीन विंडो खोली हुई हैं, ठीक है। बिल्डिंग की काफ़ी बड़ी है, बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मेरे ख्याल से तकरीबन 10-12 मरले तो होगी ये जगह, काफ़ी ज़्यादा जगह है। तो अभी इस टाइम इन्होंने ना स्पीकर वगैरह भी बंद किए हुए हैं, जिस वजह से मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, वरना तो यार साउंड जब आता है ना तो वो वीडियो नहीं मैं बना पाता, क्योंकि उससे फिर कॉपीराइट आने का खतरा होता है। जब अगर बना रहे हो तो सॉन्ग वगैरह जब आ जाते हैं ना तो वो मिक्स आउट हो जाता है, तो उस वजह से ना यूट्यूब वाले कॉपीराइट मार देते हैं। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं नॉर्मली खड़ा हूँ, तो मैंने कहा चलो यार पहले थोड़ी सी एक वीडियो बना लें। मैं वेट कर रहा हूँ अपने फ्रेंड का आने का, फ्रेंड के आने का वेट कर रहा हूँ, तो जब वो आता है तो हम गेम स्टार्ट करते हैं। पहले तो नॉर्मल सी गेम स्टार्ट करेंगे, आज मेरा तीसरा दिन है, आज बाइसेप और साथ में हल्की सी चेस्ट, ये दो सेट लगाएंगे, ठीक है। और अपने जो दोस्त है मेरा उसको थोड़ी सी ट्रेनिंग दूँगा, क्योंकि अभी उसका आज फर्स्ट डे है, तो फर्स्ट डे है तो इसलिए ना उसको ज़रा थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह, उसकी बाइक की हाइट छोटी है तो इस वजह से ना उसको स्ट्रेचिंग वगैरह सिखाएंगे और साथ में आपको भी सिखाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ओके स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये मेरे भाई आ गए हैं, हमजा भाई आ गए, ये मेरे साथ ट्रेनिंग करने आ गए हैं, मैं आज इनको ना ट्रेनिंग करवा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने नॉर्मल चीज़ें इनको सिखा दी हैं, ठीक है। वो जो ऊपर ये मशीन नज़र आ रही है ना, स्विंग बार वाली मशीन, ये पुलअप शुलअप पुशअप वगैरह इनको बता दी हैं, साथ में लगा भी लिए हैं भाई ने, और आहिस्ता आहिस्ता आगे इनको बताते हैं आहिस्ता सा, ठीक है। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह भी हमने कर ली है साथ साथ, आप गेम कर रहे हैं तो आगे देखते हैं अभी क्या क्या करना है आहिस्ता। आज ना थोड़ा बहुत हल्का फुल्का गेम करेंगे, बाइसेप वगैरह, बाइसेप ट्राइसेप और चेस्ट की थोड़ी सी हल्की सी गेम करेंगे। तो इंशाल्लाह कल संडे है, उसके बाद हम रूटीन वाइज अच्छे तरीके से गेम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भाई साहब की गेम कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम है तो इनका ज़रा ना, मैंने कहा यार थोड़ा सा लो वेट के साथ स्टार्ट किया जाए, साथ साथ मैंने भाई को बता दिया है कि कौन कौन सी गेम करनी है। ये हमारे बिशारत भाई है, ये बाइसेप की गेम लगा रहे हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमने 12-12 सेट लगाने हैं। चलो यहाँ पे मैं हमजा भाई को ट्राइसेप की गेम बता रहा हूँ, कोई नहीं यार पहली बार है तो आज अगर गलत मलत थोड़ी सी लगा दें तो कोई बात नहीं, ट्राई साहब की गेम कर रहे हैं, माशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता फिट हो जाएंगे। तो मैं भी यार काफ़ी देर बाद कर रहा हूँ अभी, तो ना जिस वजह से मैं वीक हो गया हूँ,
लेकिन कोई नहीं, इंशाल्लाह अगर करते रहेंगे तो इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे। तो बस आप लोग मेरे साथ बनिए रहिएगा, इंशाल्लाह आपको भी मैं ट्रेन करूँगा, कोशिश जहाँ पे होगी मेरे से होगी मैं आपको भी कोशिश करूँगा, ट्रेन करूँगा, ठीक है? आपने मेरे साथ बने रहना है, तो नेक्स्ट शॉट आपको दिखाते हैं। तो काफ़ी गेमिंग करने के बाद ये भाई चेस्ट के सेट लगाने, तो यार यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ क्योंकि पीछे से गाने वगैरह चल रहे थे, तो ये एक्सप्रेशन देखें भाई के मुंह के ऊपर। आज हफ्ते का दिन था तो इसलिए ना हमने थोड़े बहुत बाइसेप की है, चेस्ट की है, ट्राइसेप की है। यहाँ पे भाईजान पहली बार फर्स्ट टाइम मैंने इस जिम के अंदर ना 80 किलो चेस्ट के ऊपर लगाया हुआ है, ठीक है? ये वैसे ना लगता नहीं है, दूसरों दूर से लगता है, देखने से लगता है यार बहुत ज़्यादा वेट है, जब आप लगाओगे ना तो ज़्यादा इतना ज़्यादा आपको लगेगा नहीं, लगेगा कि जैसे आप 20-25 किलो उठा रहे हो, ठीक है? है 80 किलो है लेकिन लगेगा नहीं। तो उसके बाद ये हल्की सी इसको मैंने गेम बताई है ये शोल्डर की, आज यार थोड़ी बहुत मिक्स करवाई थी। तो यहाँ पे जिम हमारी एंड होने के बाद डाइट है थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ, 3 कच्चे अंडे है, ठीक है, और नीम गर्म दूध है उबला हुआ, ठीक है, इसको हमने इसमें डाल देना है 3 अंडों के अंदर। आप बॉयल एग भी खा सकते हो, ठीक है, और इस तरह भी पी सकते हो जैसा आपको बेहतर लगे। ये मैंने ज़रा फास्ट काम किया है तो इसलिए ना बॉयल नहीं किया, तो यहाँ पर इसको दूध में डालकर इसको हम सर्व करेंगे, ठीक है? तो ये इस तरह आप भी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ जुड़ी रहेगा, नेक्स्ट टाइम मैं आपको अच्छी अच्छी डाइट बताता रहूँगा और साथ में ट्रेनिंग भी बताऊँगा। इसको यहाँ पे मिक्स करने के बाद हल्की सी टेस्ट के लिए हल्दी डाल सकते हैं, बहुत ही हल्की, इससे ये होगा कि आपका जो मसल खिंचाव है ना वो जल्दी रिकवर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय।